सिनेरियो ये इमर्ज हो रहा है कि दिल से कोई भी नहीं इसको सीरियसली ले रहा, सारे कहते हैं कि लगता है कि स्टेज सेट हो रही है और एक्चुअली जो भी हमें झगड़ा नज़र आ रहा है वो बेनिफिशरी इनके लिए लॉन्ग रन में होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम नैब को देखते हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम नैब ने आउटसाइड हाई प्रोफाइल लॉयर्स भी हायर कर लिए हैं। अभी नईम बुखारी को हायर किया है कि वो प्रसू करेंगे केसेस अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिगार्डिंग द शरीफ फैमिली एंड एवरीथिंग। वहाँ पे सीरियसनेस बहुत नज़र आ रही है। नैब को हमने देखा है, पूरे ख़ानदान शहबाज शरीफ ख़ानदान को भी कर लिया ना। और आपके ओपिनियन में क्या नैब ओवरटली एग्रेसिव हुआ हुआ है, अपने साइलों में काम कर रहा है कि ये वाकई एक पूरी एक चीज़ पॉइंट आउट ये कर रही है कि बहुत बड़ी ये गेम है जिसमें अल्टीमेटली जो कहते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग जो होंगे वो शहबाज शरीफ का ख़ानदान होगा, मियाँ साहब वगैरह स्लोली फेड आउट कर दिए जाएंगे और वो जो बयानी है उसके ये बेनिफिट्स होंगे। वेयर डू यू गो, हाउ डू यू रीड इट? यार आप तीनों को मतलब इस बात से बड़े फेमिलियर होंगे कि और कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि जब भी हम जैसे बदनाम किस्म के लोग कहीं बाहर जाते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बंदा तो आके पूछता है कि सर बताएं सर कि क्या गेम चल रही है, हाँ मतलब हो क्या रहा है इस मुल्क में। और फिर अगर आप कोशिश करें और थोड़ा सा जवाब दें तो वो कह रहे हैं नहीं 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 जी ये गेम नहीं है, इतनी बड़ी गेम है कि आपके समझ ही नहीं आ रही। तो यार हम भी बड़े कमाल लोग हैं ना, हम खुद थ्योरी बनाते हैं, हाँ हम खुद एक नैरेटिव बनाते हैं, हम खुद एक कंस्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं, फिर उसी कंस्पिरेसी थ्योरी के खिलाफ जब कोई चीज़ आ जाती है तो फिर हम अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं और पूरा एक घंटे के इस पर डिबेट चलते हैं, यार ढील ढील है या ढील है, हाँ ये एहतसाब है या इंतकाम है। तो यार आई मीन दिस इज बस वी जस्ट टॉकिंग टू अस ईच अदर अबाउट दिस ना। यार देखें जैसे अभी सलीम साफ़ी ने कहा है कि इस मुल्क में यूं चीज़ें बदलती हैं बॉस, यूं चीज़ें बदलती हैं। अगर डील है भी सही ना वो अगले 5 मिनट में भी कैंसिल हो सकती है, अगर नहीं है तो वो अगले 5 मिनट में बन भी सकती है। तो चीज़ें क्लियर होंगी जब चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे लेकिन लेकिन मेरा एक फेवरेट जुमला है। अच्छा जहाँ तक की बात है तो यार मतलब सर आंखों पर, हाँ मिसाके जमहूरियत जब साइन हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बीच, हाँ बड़ा एक तारीखी दिन था ना, अभी तक उसकी हवाले दिए जाते हैं जी मिसाके जमहूरियत, मिसाके जमहूरियत। उसमें एक शिक था कि जी नैब को आप बंद करें और एक नया अकाउंटेबिलिटी लॉ लाएँ और एक नई अकाउंटेबिलिटी मेकनिज़म लाएँ। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या आमरियत आई थी? नहीं। उसके बाद PPP के 5 साल, उस वक्त नैब बिल्कुल अच्छी थी यार। फिर आए नून के 5 साल, उसमें भी नैब अच्छी थी। अब PTI की टाइम आया है तो नैब बुरी है। अच्छा जब PTI चली जाएगी तो उनकी जो अभी जो बहुत ज़्यादा इन लव है वो नैब के साथ, वो लव अफेयर भी उल्टा हो जाएगा। तो यार ये हम एक दायरे में फंसे हुए हैं